अब फ्रेंड्स आप ही मुझे बताइए कि अगर आप पर कोई थूकता है तो आपको कैसा लगता है? वेरी बैड राइट? बट मसाई ट्राइब के लोगों पर थूकना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और लोग इसे ब्लेसिंग्स भी मानते हैं। तो ये जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या फिर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं तो ये उस पर थूकते हैं। और इतना ही नहीं, इनके यहाँ शादियों में भी दुल्हन के पिता अपनी बेटी पर थूक कर आशीर्वाद देते हैं। अब यार ऐसी बातें सोचकर भी कितना अजीब और कितना घिनौना लगता है, बट ये मसाई के लोगों के लिए नॉर्मल है। अब फ्रेंड्स क्या आपने कभी कब्रिस्तान में पिकनिक बनाने का सोचा है? अब आप कहोगे कि हमें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पिकनिक बनाना है, भूतों के साथ नहीं। या इट्स राइट, बट आप ये सुनो, डेनमार्क के लोग अक्सर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कब्रिस्तान में जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डेनमार्क के लोग अक्सर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कब्रिस्तान में जाते हैं, वॉक करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए और इवन पिकनिक्स बनाने के लिए। और ये बात वहाँ बिल्कुल आम बात है। वहाँ के जो कब्रिस्तान होते हैं वो कोई पार्क से कम नहीं होते हैं। और जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान कैसे सुनसान और डरावने होते हैं। सो डेट वॉज इट। अब फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये एक या दो या तीन फैक्ट्स के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो अच्छे लगते हैं देखने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। या फिर आपको जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं फैक्ट्स के, 8, 9 या 10 फैक्ट्स के जो वीडियो होते हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वीडियोस देखने में अच्छे लगते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। Thank you.